बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो बुक जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टाइटल है उसका द मंक हु सोल्ड इज फरारी। ऑथर है रॉबिन शर्मा। ये बुक एक कहानी के गिर्द घूमती है जो कि एक सक्सेसफुल बाहर नज़र आने वाला एक वकील, जूलियन रामी वकील है, जो नज़र तो यही आता है कि बड़ा वो सक्सेसफुल है, उसके पास फरारी गाड़ी है और बहुत अच्छा घर है, लेकिन इंटरनली इमोशनली और जो था वो स्पिरिचुअली वो वकील बड़ा ही इम्बैलेंस लाइफ गुजार रहा था। एक दिन उसको अचानक हार्ट अटैक आता है कोर्ट रूम में ही और वो हॉस्पिटल चला जाता है, और जब वो रिकवर होता है तो ये वाकया जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आता है। और रिकवर होने के बाद वो घर जाता है, सबसे पहले अपना घर सोल्ड करता है, अपनी फरारी सोल्ड कर देता है और अपनी ज़िंदगी के अंदर उस सुकून और ख़ुशी की तलाश के लिए निकल खड़ा होता है। और वो कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स सीखता है जो जो उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून ला सकें, और वो जो असूल हैं वो इस बुक के अंदर शेयर किए गए हैं जो कि रॉबिन शर्मा ने बाद में शेयर किए। तो आइए देखते हैं वो सात असूल कौन से हैं जो कि इस बुक के अंदर बयान किए गए हैं जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा खुशगवार और कामयाब बना सकता है। सबसे पहला असूल, मास्टर योर माइंड। जो इंसानी जहन होता है उसके अंदर जो ख्यालात चल रहे होते हैं अगर वो पॉजिटिव हों तो वही उसकी पर्सनैलिटी के अंदर नज़र आते हैं, और अगर वो नेगेटिव सोच रहा हो, उसके दिमाग में जंक ख्यालात चल रहे हों, तो उसकी पर्सनैलिटी की जो क्वालिटी है वो भी उसी तरह ही नज़र आती है। तो आथर ने सबसे पहला असूल ज़िंदगी में कामयाबी खुशगवार बनाने के लिए जो बयान किया है वो यही है कि मास्टर योर माइंड, के अपने दिमाग को काबू में रखना है, अपने दिमाग की हिफाजत करनी है कि उसके अंदर पॉजिटिविटी हो, उसके अंदर पॉजिटिव ख्यालात आएँ ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी जो है वो परेशान होने की बजाय खुशगवार गुजार सके। जो दूसरा रूल बयान किया गया है इसी बुक के अंदर वो है फॉलो योर पर्पस, कि हर इंसान जो जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है वो अपनी ज़िंदगी का उसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। अगरचे बिज़नेस और जॉब तो वो कर ही रहा है, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो इंसानियत की खिदमत भी साथ हो तो उसके अंदर वो अथर बताता है जी कि इंसान अपनी पैशन होना चाहिए उसके पास। अगर उसकी ज़िंदगी के अंदर वो पैशन नहीं है, अपनी लाइफ जो है वो बेमकसद गुजार रहा है, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर पैशन हो। और पैशन के साथ साथ इसके अंदर रॉबिन शर्मा ने कुछ टेक्निक शेयर की हैं। वो कहता है आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई गोल सेट करें और वो गोल जो है उसकी स्पेसिफिक गोल हो और उसको नोट किया जाए और उसके लिए एंड टाइम भी डिसाइड किया जाए कि मैं ये गोल जो है कब तक अचीव कर लूँगा। मिसाल के तौर पर मैं अपने आप को फाइनेंशियली कब तक और कहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ, मैं अपने आप को सोशली कहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो जब अपने वो गोल सेट करेगा तो इसका मतलब है उसकी ज़िंदगी जो है वो बामकसद हो जाएगी, तो वो अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकता है। इसी तरह जो इसके बाद आथर ने तीसरा जो रूल बयान किया है वो है प्रैक्टिस काइज़न। काइज़न जो है एक जापनीज टर्म है, बेसिकली जापान में ये काइज़न ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया जाना चाहिए। बेसिकली क्वालिटी के लिहाज से ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जो काइज़न ने दिया था। तो क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके अंदर कोई फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, इसको डे बाई डे इम्प्रूव ही होना चाहिए प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। लेकिन इसको अगर पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आप किस तरीके से अपनी स्किल्स को किस तरह अपने आपको पर्सनली आप डेवलप कर सकते हैं उसके अंदर डेली इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। तो ये कहता है जी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का ये प्रोसेस जो है पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर अप्लाई होना चाहिए। और किस तरह होगा, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर डेली जो है पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से कुछ बुक्स पढ़ेंगे, आप अगर अपनी
इम्प्रूव करने के लिए अच्छे अच्छे आइडियाज़ इकट्ठे करेंगे, उन आइडियाज़ को लिखेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे और साथ साथ आप रिफ्लेक्शन पे भी ध्यान देंगे कि मैंने कितनी अच्छी बुक्स पढ़ चुका हूँ या मैंने कितना जो है अपने आप को इम्प्रूव किया है, उसको इवेल्यूएट भी किया जाए। तो काइज़न का ये इम्प्रूव कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट का जो प्रोसेस है, इसको पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर अप्लाई किया जाए, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए, अपने आप को पर्सनली डेवलप करने के लिए, तो ताकि आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा कामयाब और सक्सेसफुल गुजार सकते हैं। काइज़न के असूल के बाद जो चौथा बड़ा इम्पॉर्टेंट जो असूल बयान किया गया है वो है कि लिव विद डिसिप्लिन। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरह डिसिप्लिन लेकर आ सकते हैं, अपने गोल सेटिंग के लिए डिसिप्लिन का होना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए ऑथर ने हमें विल पावर का कॉन्सेप्ट दिया है। उसने कहा जी, अगर बड़ा अच्छा इसके अंदर एक प्रोवर्ब का इस्तेमाल किया गया है कि मकड़ी के जालों से आप हाथी भी बांध सकते हैं। अगर आपकी विल पावर जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप बड़े से बड़ा छोटे से छोटा काम जो है उससे बड़ी से बड़ी तब्दीली ला सकते हैं, तो अगर आपकी विल पावर मजबूत हो तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए आप अपने आप के अंदर जो है टाइम की कदर करते हुए, काइज़न के रूल को इस्तेमाल करते हुए अपनी विल पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप विल पावर को इस्तेमाल करेंगे तो आप अपना टाइम जो है उसको कीमती बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी ये हो जहन में हो कि मैंने सुबह उठना है, वॉक पे जाना है, नमाज़ पढ़ने जाना है, तो आप अपनी विल पावर के अंदर अगर ये चीज़ें लेकर आएँगे, पॉजिटिविटी लेकर आएँगे, तो आप अल्टीमेटली उन चीज़ों को हासिल भी कर लेंगे। उसके लिए आप टाइम पर भी उठेंगे और अपना टाइम टेबल जो है वो बनाएँगे और इस तरह आप अच्छे अच्छे अल्फाज बोलेंगे, आप पॉजिटिविटी वाले वर्ड्स बोलेंगे। ये नहीं होगा कि आप ये सोचें कि यार ये मेरी बुरी आदत है, मैं तो मर के भी ये आदत जो है वो नहीं छोड़ सकता, या ये अच्छी आदत मैं मुझसे नहीं अपनाई जा सकेगी, शायद मैं सारी ज़िंदगी इसको अडॉप्ट ना कर सकूं। अगर आप नेगेटिव बातें करेंगे तो आपकी विल पावर कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। और अगर आप अपनी विल पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव बातें लिखें, तो आप अल्टीमेटली अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके बाद जो पांचवा रूल, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल बयान किया गया है, वो है रिस्पेक्ट योर टाइम। रॉबिन शर्मा ने ये कहा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को कामयाब और सक्सेसफुल और फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं तो वक्त की आपको कदर करनी होगी। जितने भी कामयाब लोग हैं वो कभी भी आपको वक्त की के बारे में उसका रोना आपको कभी भी नहीं सुनाते। कभी भी वो ये नहीं कहते कि हमें वक्त नहीं मिला इसलिए हम ये काम नहीं कर सके। तो इसलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने वक्त की जो है वो कदर करें। वक्त की कदर के लिए उसने एक वो टेक्निक जो इस्तेमाल होती है वो है कि 80-20 रूल को इस्तेमाल किया जाए कि ज़िंदगी के अंदर या डेली अगर आपने कोई 10 काम करने हैं तो 10 में से 2 काम ऐसे होंगे जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी आपके लिए, आप उसके बड़ा फ़ायदा उठाना चाह रहे होते हैं, आप इकोनॉमिकली या आपको उसका रिवार्ड ज़्यादा मिल रहा होता है, तो आप उन 2 कामों को ज़रूर करेंगे। तो 80-20 रूल यही कहता है कि 20% काम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और 80% जो होते हैं वो आप उनको लिंगर डन कर सकते हैं। करना तो होता ही है लेकिन उसको बाद में किया जा सकता है। तो वक्त की कदर का मतलब ही ये है कि जो ज़रूरी काम करने वाले हैं उनको पहले किया जाए। तो 20 रूल यही बताता है कि हर रोज़ जो आप काम करते हैं उसमें से 10 में से 2 काम ऐसे होंगे जो बड़े ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, लिहाजा उनको आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो कामयाब लोग जो हैं वो अपना टाइम जो है वो डिवाइड करते हैं, टाइम मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं और कोई भी टाइम जो है वो वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करते। तो यही उनकी खुशगवार ज़िंदगी का राज है। छठा जो रूल इस बुक के अंदर बयान किया गया है वो है सर्व अदर्स, कि आप दूसरों की खिदमत करनी है। इसके अंदर आपको दूसरों से कोई रिटर्न बैक की तवक्को भी ना हो, उसके साथ आप नेकी करें, छोटी छोटी नेकियां करते जाएं, लोगों की फलाह के लिए काम करें, जो सोशली आप कर सकते हैं वो ज़रूर किया जाए। इवन आप किसी की पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं तो वो भी करें, उन लोगों की खिदमत करें जिनसे आपको रिटर्न बैक की कोई तवक्को भी ना हो। इसीलिए अगर आप दूसरों को हेल्प करेंगे, दूसरों को सर्व करेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी के अंदर भी बेहतरी आएगी। तो अगर आप अपने ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं तो आपको इंसानियत की खिदमत करना होगी, इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ टाइम निकालना होगा। दूसरों को ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे ही दें, लेकिन जो कुछ आप कर सकते हैं, छोटी छोटी नेकी जो है वो भी एक बड़ी तब्दीली का पेशगमा हो सकती है। इसके बाद जो आखिरी रूल जो बयान किया गया है इस बुक के अंदर वो है एम्ब्रेस द प्रेजेंट, के लम्हे मौजूद में रहें। बेशुमार लोग जो हैं
वो लम्हा मौजूद में नहीं रहते, वो पास्ट में गुम रहते हैं या फ्यूचर की कहानियाँ सोचते रहते हैं। तो इसके लिए लम्हा मौजूद की जो ताकत है उसको इस्तेमाल करना चाहिए कि जो हाल में जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है उसके ऊपर शुक्र अदा किया जाए, और ये अगले की फिक्र में ये ना हो कि आप करंट मोमेंट को एंजॉय ही ना कर सकें। तो एट प्रेजेंट अगर आपके पास छोटा घर है तो ये मतलब नहीं है कि आप ना शुक्री करें और आप परेशान रहें, इसके ऊपर शुक्र करें और अच्छे के लिए बेहतरी के लिए कोशिश करते जाएं। अगर आपके पास एक छोटी जॉब है तो अगर आप अपना दिन जो है वो परेशानी में गुजारेंगे तो आप अगले के लिए या अचीवमेंट के लिए कभी भी कोशिश नहीं कर सकेंगे। तो इसके ऊपर मुतमिन रहें और नेक्स्ट अचीवमेंट की कोशिश करते रहें। तो ये है आप मौजूदा दौर में, इसका मतलब ये है कि आप हाल पर खुश हैं, तो इसी वजह से आप अपनी ज़िंदगी जो है वह ज़्यादा खुशगवार गुजार सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर वक्त परेशान और वक्त को कोसते रहें। तो इसके लिए यही है कि आप प्रेजेंट में जो कुछ आपके पास अल्लाह ताला ने जो इनामात दिए हुए हैं, जो नेमतें दी हुई हैं, उनके ऊपर शुक्र अदा किया जाए, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से ही अल्लाह ताला और ज़्यादा आपको नेमतों से नवाजेगा और आपकी ज़िंदगी जो है वह ज़्यादा खुशगवार हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।